आशा कार्यकर्ता की उसके घर में ही मिली लाश। गांव में मचा कोहराम। पूरा मामला जौनपुर जिले के सुरेरी थाना क्षेत्र के ओड़ियार गांव का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ओड़ियार गांव की रहने वाली आशा कार्यकर्ता अल्पना दुबे पिछले 10 दिन पहले ही अपने गांव में टीकाकरण का कार्य की थी। उसके बाद वह दिखाई नहीं दे रही थी। तत्पश्चात घर से दुर्गंध आने से लोग भयभीत हो गए, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान व सुरेरी थाने को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि महिला की लाश चारपाई पर पड़ी थी। लाश की स्थिति को देख अनुमान लगाया जा सकता है कि यह लाश तकरीबन एक सप्ताह पहले की हो सकती है। गांव वालों के मुताबिक शव की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे उठाना भी मुश्किल था, इसलिए गांव वालों ने चारपाई के सहारे से ही शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने की योजना बनाई। देखिए जौनपुर के सुरेंद्र से यह रिपोर्ट। पांडे रुपये। गांव कौन सा है? अड़ियार। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारे गांव के ही निवासी स्वर्गीय प्रेम शंकर की पत्नी अल्पना दुबे अल्पना दुबे वह सड़क के किनारे जो कि आशा कार्य करती थी, वह सड़क के किनारे अपने आवासीय उसमें जो रहती थी। और आज मुझे ग्राम प्रधान द्वारा यह सूचना मिली कि वह शायद एक्सपायर कर गई है। हमने कहा प्रधान जी कब तक पहुंच रहे हैं, उन्होंने कहा 15 मिनट। मैं जब पहुंचा मौके पर तो हम लोगों ने कहा कि किसी स्त्री मरी हुई है, तो हमने थानाध्यक्ष को फ़ोन किया और उसके बाद पुलिस के आपने फ़ोन किया है? हाँ, हमने फ़ोन किया। क्या COG पे 112 पे? नहीं, उनके व्यक्तिगत नंबर पर उनको मैंने फ़ोन किया। और फ़ोन करने के बाद जब पुलिस आई तो हम लोगों ने उस पर्दे को हटा के जब देखा तो वह हमको लगा कि करीब कम से कम एक हफ्ते पहले से मरी हुई है। उसकी लाश ले जाने की स्थिति नहीं है, लेकिन गाँव के लोगों ने, प्रधान ने, सब लोगों ने यह फैसला किया कि इसको चारपाई सही थी, ले जाके बगल में कहीं लकड़ी की व्यवस्था करके। जब आशा कार्यकर्ती थी इतने दिन से वो काम करने जा रही थी कि नहीं जा रही? हाँ, जा रही थी। तो जहाँ पे काम कर रही थी तो वो लोगों ने खोजने की कोशिश नहीं की कि कहाँ है? नहीं, 10 दिन पहले टीकाकरण हुआ था उस समय। यह किस गाँव में कार्यकर्ती थी, आशा कार्यकर्ती थी? अपने गाँव में। याद नहीं थी? इनके परिवार में कोई मतलब यहाँ नहीं रहता? लड़के लड़की को कुछ पता नहीं है? नाम किसी को जानकारी नहीं है? किसी को नाम की भी जानकारी नहीं है, कोई संपर्क नहीं है इससे। और यह स्थिति में आज काल कलवित हो गई। सहानुभूति के नाते, गांव की महिला होने के नाते, ग्राम प्रधान और आम जनता, जो गांव की जनता थी, अगल बगल की जनता, सहानुभूति के नाते इसके साथ इसके दाह संस्कार के लिए खड़ी हुई। और सुरेरी थाने का क्या कहना है? सुरेरी थाने के ये समझ लीजिए प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि आप जब तहरीर देंगे, पंचनामा होगा, तो आखिर कौन तहरीर देगा